राज्य के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट प्लान से प्रशंसकों में भारी निराशा है। धनबाद के क्रिकेट फैन से बात की सहयोगी अभिषेक ने। क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे बड़ा सितारा और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के कहें कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद फैंस में तो दुखी हैं ही सभी लोग, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहें तो शॉक्ड हैं उनके चाहने वाले, उनके मित्र और उनके करीबी, वो खिलाड़ी भी, वो दोस्त भी जो उनके साथ कभी खेले थे। ये करीबी दोस्त हमारे बीच हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। जी, पहले तो वो यादें बताएं जो आपने उनके साथ गुजारा है। जी, काफ़ी यादें हैं हम लोग के साथ में, जो हम लोगों ने साथ में गुजारा है। एक्चुअली कई बार ऐसा मौका मिला जब हम लोग ने काफ़ी स्वीट मेमोरीज साथ में सेलिब्रेट किया है। एक बार हम लोग दुबई यात्रा, वर्ल्ड का पहला क्रिकेट एकेडमी दुबई में स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग साथ में ही माई के साथ ट्रैवल प्लान किए थे, हम लोग दुबई गए थे। वो शूटिंग के काफ़ी शौकीन है, तो शूटिंग क्लब वगैरह में भी हम लोग काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किए थे। कैप्टन कूल का यह फैसला वाकई बिल्कुल ठंडे दिमाग से लिया गया है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ में नौकरी करने की बात है उस समय से लेकर अभी तक, ये बहुत सोची समझे उन्होंने एक संन्यास लिया कि या ऐसा ये था कि नहीं अब कर लेना चाहिए? देखिए, उनका सबसे कुछ खास खूबियों में से है उनका निर्णय लेने का क्षमता। उनका निर्णय लेने की क्षमता की वजह से ही आज देश में उनका इतना तारीफ होता है। उनका जब भी टाइमिंग जो होता है निर्णय का, डिसीजन लेने का, आप DRS वाला सिस्टम में देखते हैं जो डिसीजन लेते हैं वो पूरे विश्व में उनका तारीफ किया जाता है। और निर्णय लेने की क्षमता, जब भी जो भी निर्णय वो लिए हैं वो लोग हमेशा तारीफ किए हैं। ये जो रिटायरमेंट का भी डिसीजन उनका काफ़ी मतलब राइट टाइम पे लिया हुआ डिसीजन है, तो वो बहुत काबिल तारीफ है। बड़ा सवाल यही है कि आपने उनके साथ में चूंकि खेला भी है रणजी से लेकर अभी तक का, उनके सबसे बड़ी जो उपलब्धि अभी तक गिनी जाती है वो, और धोनी किस चीज़ के लिए याद किए जाएंगे हमेशा सर्वकालिक? देखिए, ऐसे तो उनका शॉट जो है, जो कि हेलीकॉप्टर शॉट जो है, वो आजकल आप देखिएगा कि आमतौर पे बच्चे भी उसको कॉपी कर रहे हैं, तो वो उस शॉट के लिए तो हमेशा याद रहेंगे ही। और ख़ासकर जो अचीवमेंट उन्होंने किया है देश के लिए किया है, और जितने भी लोग हैं भारत के लिए, इन्होंने सारा कप को जो है, चाहे T20 हो, वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट में नंबर वन पोजीशन हो, तो ये सारी चीज़ उन्होंने एक देश के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को उन्होंने दिया है। तो मेरे ख्याल से इस इन सब चीज़ों के लिए वो याद किए जाएंगे। अमन सोरेन जी का जो ये सोचना है कि वो ग्राउंड से रिटायर्ड होते, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अब धोनी का जो फैसला है वो हमको नहीं लगता है कि वो अपना फैसला को बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने फैसले को कभी नहीं बदला है, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि वो जो डिसीजन लेते हैं, और 100% हम लोगों ने भी फील किया है कि वो बहुत सोच समझ के ही फैसला लेते हैं। आज वो एक अच्छा चीज़ है कि वो अब IPL में खुल के क्रिकेट खेल सकेंगे, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप होता तो हम तनाव, और हम लोग चाहेंगे कि वो कम से कम 2-3 साल IPL खेलें, कि हम लोग उनको देखते रहें और उनको अच्छा महसूस करें हम लोग। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि MS धोनी का रिटायरमेंट भी ये उसी तरह से है जैसे सब कुछ वो चौंकाने वाले फैसले मैदान में अक्सर किया करते हैं। ये अलग बात है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि BCCI को एक फेयरवेल के तौर पे एक बड़ी जो है मैच करना चाहिए था, और उसी तरह से विदाई की जानी चाहिए थी, फैंस भी ऐसा ही सोचते हैं। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज 11 भारत, धनबाद।